नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज गुरु पूर्णिमा है, आज ग्रेटिट्यूड है सभी मेरे गुरुज को, मेंटर्स को एंड कोचेस को, ऑल्सो दोज हु टॉट मी वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स। जो लाइफ लेसन्स मेरे को डायरेक्टली मिला नहीं, लेकिन हार्ड वे में सीखने को मिला, जानने को मिला, महसूस हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। उस एक्सपीरियंसेस के लिए भी जिन जिन से मेरे को मिला है सभी को मेरा प्रणाम। एक छोटी सी बात, थिंकिंग माइनस एक्शन इज इक्वल टू अनप्रोडक्टिव इफोर्ट। व्हाट गुड इज थिंकिंग इफ इट हैज नो एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। यानी हम लोग तो उम्र भर काफी कुछ सोचते रहते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसके बाद ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, दुनिया को हिला के रख देंगे। जब जोश में रहते हैं हम ऐसा कुछ सोचते हैं। सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो सोच है उस सोच के पीछे अगर एक्शन ना हो, प्लान ना हो, एग्जीक्यूशंस ना हो, तो अल्टीमेटली वो जो थिंकिंग है एक सिर्फ थिंकिंग ही रह के चला जाता है। वैसा हमारे दिन, मींस दिन में, साल में कितने इस तरह के थिंकिंग्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं, लेकिन वो जो थिंकिंग प्रोसेस है उसका कोई फ्रूट नहीं मिलता है। उसका मेन कारण क्या है कि बैक्ड बाई एक्शन, प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशंस। जब भी हम कुछ सोचते हैं और उसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग, एक्शन एंड एग्जीक्यूशंस रखते हैं, तभी जाके उस मेहनत का, उस सोच का, उस आइडिया का एक रिजल्ट या आउटकम मिलते हैं। उस जो भी आउटकम है उसके ऊपर अगर फिर भी हम आगे जाके और भी बेहतर करने का कोशिश करते हैं तो वो जो आउटकम है और भी बेहतर होते रहते हैं। यही है थिंकिंग प्लस एक्शन इज इक्वल टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम। दैट मींस व्हाट गुड इज थिंकिंग व्हेन एकॉम्पनीड बाय एप्लीकेशन, इट्स कॉल्ड मिरेकल अचीव्ड। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कलम साहब का एक कोट बहुत याद आ रहा है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर को बदल नहीं सकते, लेकिन आपके फ्यूचर को अगर बदलना चाहते हो तो आप अपनी जो आदतें हैं उसको चेंज करो। आदत बदला तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना फ्यूचर भी बदल जाएगा। अच्छी आदतें अच्छे फ्यूचर लेके आएंगे, बुरी आदतें बुरी फ्यूचर्स लेके आएंगे। यानी इन फ्यूचर हम कुछ अच्छा आउटकम मिलेगा या खराब आउटकम मिलेगा, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आज इस वक्त हम अपना कौन सा आदत को सुधारने का कोशिश कर रहे हैं, कौन से आदत को बढ़ावा देने का कोशिश कर रहे हैं। क्या हम अच्छे आदतों को बढ़ावा देने का कोशिश कर रहे हैं या खराब आदतों को बढ़ावा देने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम डिसीजंस लेंगे उसी का रिटर्न हमें फ्यूचर में विद कंपाउंड इफेक्ट मिलेगा। सो वंस अगेन हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड ए बिग 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 ग्रेटिट्यूड टू ऑल माई टीचर्स, गुरुज, कोचेस एंड मेंटर्स एंड ऑल्सो ऑल दोज पीपल्स हु हैव टॉट मी वेरी वाइटल लेसन्स, लाइफ स्किल्स। धन्यवाद।